मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस का केकड़ा मुर्दाबाद 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 भारत माता की भारत माता की जय भारत माता की जय जय श्री राम जय जय मैदान में हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल हिंदुओं के सम्मान में मोहन वर्मा जिला स्वीडन मंडल अज असी जो कार्यक्रम रखे अज जो कार्यक्रम इसलिए रखे कि कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका के अपने मैनीफेस्टो च किया है कि असी जो साड़ी सरकार आती है तो असं इतने बजरंग दल नूं बैन कर देंगे। ये जी उन्होंने बोल हैं ये हिंदू समाज के विरोधी है तो असं उन्होंने बेनती करते हैं कि ये जे इन्हे बयान इन्हों अपने बयानों बहुत सोच समझ के बोलन। तो बजरंग दल एक ऐसा दल है जिन्होंने करोना काल के अपनी जान की परवाह ना करते हुए घर घर के जाके सैनिटाइजेशन की जो जो उत्थे मंगा सी या जिनी मदद हो सकी सब की। तो ये जी कांग्रेस की नीति है ये देश विरोधी है समाज को समाज के भटकाउन का काम कर रही है। तो असं ये अपील करांगे ये अपने जो शब्द है उन्होंने वापस लेने चाहिए हैं। तो इन्हों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी असं ये कहना चाहते हैं कि बहुत सोच समझ के जो बजरंग दल है ये हर मंगलवार असं जिदा साडा शहर है रोपड़ के हर मंगलवार इतने हनुमान चालसा कराते हैं। जोड़े नौजवान है उन्होंने असी समाज के प्रति धर्म के प्रति भी जोड़ते हैं। तो साड़ी यही बेनती है कि जी सा भाईचारा उन्होंने कायम रखन यही अपील करते हैं। जय श्री राम कहांगा कि इस पार्टी को छोड़ो जो हमेशा तो हिंदुओं के विरोध के काम करती रही है सिर्फ चंद वोटों के करके ऐसे बयान देंगे है कि जिदे हमेशा हिंदुओं भावनावान जी ठेस पहुँचती है। तो मैं सारे अगर अपील करा कि इस पार्टी का बाइकॉट कर जय श्री राम का जयकारा लगा जय श्री राम जय श्री राम जी। ये अज का प्रदर्शन है कि जो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका चुनाव में बजरंग दल को बैन करने का घोषणा पत्र किया गया उस संदर्भ में पूरे देश भर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है कुमती निवारण सुमित के संगी जो बजरंग जो कांग्रेस की नीति है हमेशा देश विभाजन दीतियां विभाजन दीतियां काम करते हैं। एक विभाजन राजनीति के चक्कर से विभाजन की गतिविधियों के चक्कर से 1947 में देश का विभाजन किया और फिर एक समुदाय को खुश करने बजरंग दल को बैन करने की घोषणा कर रही है ताकि कि वह समुदाय आसानी साड़ी भैन का बहुआ का आसानी जिहाद कर सके। बजरंग दल कदें भी इस तरह की घटना अंजाम नहीं करेगा। यह बजरंग दल ऐसा है जो नौजवान पीढ़ी में देशभक्ति पैदा करता है साड़िया गऊ माता कट्टन तो बचा इस तरह का संगठन है। असी ये जो कांग्रेस ऐलान कर रही है बजरंग दल बैन कर रही है बैन करन दी गल कर रही है मैं इन्हों दसना चाहता कि एक बार बजरंग बली ने लंका विच लंका दहन की हूँ फिर नहीं इदा हो कांग्रेस पार्टी का फिर दहन हो जाए पूरे देश भर से। मंग यही है कि पूरा जो साड़ी केंद्र वसों आएगा वो ही अगे रहेगा जो केंद्र तय करेगा तो प्रदर्शन तो चलता रहेगा। अजे तो प्यार नाल प्रदर्शन कर रहे हैं कि हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं जो इन्हों की कांग्रेस की कुमती है उन्होंने सदबुद्धि मिले। हाँ जी की प्रदर्शन है जे कितने क्या प्रदर्शन कर रही यहाँ पर बजरंग दल की तरफ से किया जा रहा है जो कांग्रेस ने कर्नाटका में जो भी अभियान किया है हमारे खिलाफ तो उसके लिए ये बजरंग दल आगे हुआ है और उन्हें अपनी जो उन्होंने बोला है उस नीति को बदलना चाहिए। और बजरंग दल जो है कोरोना काल में इन्होंने इतना कार्य किया है कि हम इनकी सराहना हमारे पास जुबान नहीं है कि इनके बारे में कुछ बोल सकें। बहुत ही इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं और हिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जय हिंद जय भारत जयकारा वीर बजरंगे। अज जो असी रूपनगर विखे बेला चौक में जो सारे हिंदू संगठन ने जोड़ा कट्ठा हो के जोड़ा कर्नाटका कांग्रेस ने एक
नारा दिता है भी जो कांग्रेस की सरकार आएगी तो असी जिहड़ा बजरंग दल नूं असी बैन कर देंगे। इत्थे मैं जिहड़ा कहना चाहवांगा जिहड़ी कांग्रेस सरकार है 70 साल तो राज कर रही है और यह हिंदू विरोधी सरकार है। अज तक इन्होंने बाहरी आए लोगों जिहड़ा इत्थे मतलब शह दिती है, पर मैं अपने समाज में आप जी के माध्यम राय तो अपनी पार्टी वालों शिवसेना वालों सारे मैं अपने जो मेरे हिंदू संगठन उरे आए हैं भी देखो हर बंदा अलग अलग पार्टी नाल जुड़िया होया है, पर लेकिन सानू जिहड़ा साडा समाज पहला है, साडा सनातन पहला, साडा हिंदू धर्म पहला, तां असी शिवसेना बाला साहब ठाकरे वालों मैं अश्विनी शर्मा प्रवक्ता पंजाब ते सारे हिंदू संगठन जिहड़े मेरे नाल आए मेरी मातावां भैणां मेरे सीनियर वीर मेरे युवा भरा उन्हां वालों असी जिहड़ी कड़े शब्दां च जिहड़ी असी उहदी निंदा करदे हां। हजे 2025 दे इलैक्शन आए है जे मतलब कर्नाटका जे उन्होंने सानू हिंदुओं नू मतलब टारगेट करिया ते असी उन्हां नू बिल्कुल 2025 दे विच जिहड़ा उरे पंजाब दे विच उन्हां नू असी हिंदू संगठन उहदा जवाब देवांगे।